ब्राह्मणों के खिलाफ बोलने वाले मोहन भागवत पर हो FIR। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जाति वाले बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। संभल जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने मोहन भागवत पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, अदानी मुद्दे को भटकाने के लिए अब इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और कहा कि मोहन भागवत किसी धर्म के ज्ञाता नहीं है, न ही किसी धर्म के बहुत बड़े विशेषज्ञ है। वह एक ऐसे संगठन के प्रमुख है जो सत्ताधारी दल या फिर कहा जाए भाजपा का गुलाम संगठन है, जिसके सहारे वह गैर राजनीति बताने के बावजूद राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जिसमें कहीं न कहीं राजनीति छुपी होती है। मोहन भागवत किसी धर्म गुरु की श्रेणी में आते और किसी बात को कहते तो ठीक था। अब उनसे पूछा जाए कि पंडितों ने जाति बनाई है तो फिर पंडित किसने बनाए है? पंडित जाति भी तो किसी ने बनाई होगी। आखिर मोहन भागवत ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के बयान देने वाले होते कौन है? मोहन भागवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वह सिर्फ एक संगठन के प्रमुख है जिसकी भूमिका ना तो देश की आजादी में रही है, ना देश को बनाने में रही है, केवल उसकी भूमिका माफी मांगने की रही है। अध्यक्ष जी, भी हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान आया जिसमें कहा गया है कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, उसे लेकर अब देश भर में राजनीति शुरू हो गई है, क्या कहना है आपका उसमें? पहली चीज तो मोहन भागवत जी किसी धर्म के ज्ञाता नहीं है, ना ही किसी धर्म के कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ है, ना ही धर्म गुरु है। वो एक ऐसे संगठन के प्रमुख हैं जो एक सत्ताधारी, ये मैं कहूँ भाजपा का गुलाम संगठन है, जिसके सहारे वो गैर राजनीतिक बताने के बावजूद भी पूरी राजनीति करते हैं और उनके बयानों में कहीं ना कहीं राजनीति छुपी होती है। मोहन भागवत जी या तो किसी धर्मगुरु की श्रेणी में आते तो वो किसी बात को कहते। उनसे पूछा जाए कि अगर पंडितों ने जाति बनाई है तो पंडित किसने बनाए? पंडित जिसका नाम ले रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं, तो वो जाति तो पहले बनाई गई होगी ना। अगर उस जाति ने बनाई तो जाति पहले किसने बनाई? पंडित भी तो किसी ने बनाए होंगे। मोहन भागवत जी का बयान कई जगह से घूमते हुए आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं इस समय अडानी के जो मुद्दा है उनसे भी कहीं ना कहीं उन्हें भटकाने की कोशिश ऐसे बयानों से की जाती रही है और हमेशा होती है। तमाम रोजगार, बेरोजगारी, नफरत के खिलाफ मोहन भागवत जी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि मोहन भागवत जी उस संगठन से आते हैं जिसका काम केवल नफरत फैलाना है। वो किसी भी जाति के खिलाफ हो, किसी भी वर्ग के खिलाफ हो या किसी भी धर्म के खिलाफ हो, मैं कहता हूँ मोहन भागवत जी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया गया है और मोहन भागवत जी के खिलाफ इस चीज को लेकर एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि मोहन भागवत जी आखिर ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह का बयान देने वाले होते कौन है? किसी धर्म के धर्मगुरु तो है नहीं, एक संगठन के प्रमुख हैं जिस संगठन की कोई भूमिका ना तो देश की आजादी में रही है, ना देश को बनाने में रही है, केवल उसकी भूमिका माफी मांगने की रही है। मैं आज भी कहता हूं कि मोहन भागवत जी आपको आज भी पंडितों से, ब्राह्मणों से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ सरकार को खुद ही एक्शन लेते हुए नफरत फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान के बाद सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि जो RSS प्रमुख ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों को लेकर जो कुछ कहा है, धर्म के ठेकेदारों की कलाई खोल दी है। देखिए, जो लोग बयान देते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, या तो वो भाजपा से आए लोग हैं, चाहे मौर्य जी हो, आपने देखा पहले भी एक अग्रवाल जी थे, उन्होंने बिस्की में विष्णु और थर्रा में हनुमान इस तरह के बयान दिए। वो पहले समाजवादी में थे, फिर भाजपा में चले गए, आज मौर्य जी भी उसी काम को करने आए, अभी बीजेपी से आए, फिर कल समाजवादी में आए, कल वो भाजपा में जा सकते हैं। ना तो इनका कोई ईमान है, ना इन्हें कोई राजनीति से लेना देना है, केवल इन्हें सत्ता की भूख रहती है, लोगों को लड़ाने का काम करना है, जाति धर्म में बांटने का काम करना है। अगर ये लोग काम करते, अपने काम से चमकते, तो किसी पार्टी में जाके धर्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। रामचरितमानस पर बोलने के बावजूद भी इन्हें जेल ना भेजना, ये कहीं ना कहीं भाजपा और समाजवादी की मिलीभगत भी है, क्योंकि भाजपा अगर लेती रामचरितमानस की प्रतिलिपि जलाने वाले लोगों को, रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग अगर जेल से बाहर हैं, तो भाजपा की मिले जुले बयान हैं। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आई।